नरसिंहपुर जिले की जनपद कैनवारा पठा की ग्राम पंचायत सिमरिया कला में हो रहा जमकर भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चावर पाठा की ग्राम पंचायत सिमरिया कला के ग्राम कधेली के ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत में हो रहे निर्माण कार्य के भ्रष्टाचार के बारे में तहसीलदार तेंदुखेड़ा को ज्ञापन सौंप कर बिंदुवार जाँच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया की ग्राम पंचायत द्वारा 3 रोड काजों में बनाए हैं, धरातल पर नहीं बने हैं। जनपद चावरपठा से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव सरपंच जीआरएस की भ्रष्टाचार की सूचना ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार को अवगत कराया एवं जांच कराने की मांग की है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया 15वां ख से 20वां ख रुपए की राशि गबन की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्रवाई ही नहीं होती तो हम जिला पंचायत नरसिंहपुर एवं कलेक्टर महोदय का दरवाजा खटखटाएंगे, नरसिंहपुर जाकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नरसिंहपुर से राजाराम पटेल की रिपोर्ट। क्या समस्या यही है कि सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार किया हमारे गाँव में, रोड नाली मुक्तिधाम ग्राउंड जिसका कोई लाभ नहीं मिला, जिनके घर आने थे उनके मकान आए नहीं और जिनके नहीं आने थे उनके आ गए। इसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए? इसकी शिकायत SDM और कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ रहने वाले? ग्राम पंचायत सिमरिया के अंतर्गत कढ़ेली में कुछ भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही है, इसमें आपका कहना चाहते हैं? हमारा ये विचार है कि इसको SDM साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास सूचना भेजा जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि जांच की जाए। तो कहाँ लगता है आपको भ्रष्टाचार? पंचायत भ्रष्टाचार लगता है रोड पर, सीसी रोड, उसमें नाली एड है, यहाँ पे नाली भी नहीं बनी, फर्सी लगी है पुरानी, मलिए ग्राम पंचायत थी उस समय की, और जो अंदरूनी नाली बनवाई है 2,21,000 की, वो तो आप लोग देखे ही आए हो, उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार है। जानकारी में मिला कि आपके कोई ग्रामीण को रोजगार सहायक सरपंच द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है? हाँ, ये जानकारी मेरे को 2 दिन बाद लगी। मूलचंद नाम का लड़का है, उसके लिए सह सचिव और सरपंच द्वारा धमकी दी गई। तो इसके लिए आपने क्या किया? अभी कुछ नहीं किया, उसको थाने के लिए भेजा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इसकी मतलब पूरी जांच की जाए और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जांच निष्पक्ष हो। कहाँ तक लगता है आपको भ्रष्टाचार? हमको ये लगता है कम से कम 10 लाख के ऊपर निकलेगा। ये रोड में पाया है, नालियों में पाया है और जो ग्राउंड बना है खेल ग्राउंड उस पर, और जो ग्राम का तालाब बना है उस पर भी है भ्रष्टाचार, शमशान घाट में भी है। आपने कहीं इसकी शिकायत की है? नहीं, शिकायत की जानकारी नहीं थी पहले, जब ऑनलाइन जब सिस्टम निकला तब उसकी लिस्ट हम लोगों को मिली, तब उसकी जानकारी हुई।